नमस्कार, मैं हूं संदेश सर्वर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वैलेंटाइन डे पर प्यार में धोखा, प्रेमिका ने लगाया मौत को गले। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दमोह, जमकर बोला प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में आपातकाल। मां बड़ी देवी दरबार में हुआ विशेष पूजन का आयोजन, भगवान शिव का किया गया अभिषेक, भंडारे का हुआ आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे की। प्यार का इजहार का दिन, लोग काफी इसका इंतजार करते हैं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी इसे विशेष रूप से मनाती है, एक दूसरे से प्यार का इजहार करती है, कई तरह के गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन प्यार में धोखा मिलने के बाद एक प्रेमिका के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया, काफी अप्रिय कदम उठाया गया। परिजनों को यह कदम काफी दुख देने वाला था। मामला लिधोरा का है, जहां पर प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को धोखा दिया गया। प्रेमी के लगन होने के साथ ही प्रेमिका के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। काफी गंभीर मामला था, पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई की बात की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। घटना के संबंध में मृतिका के रिश्तेदारों के द्वारा जानकारी दी गई। आपका महेंद्र नाम है हमारा, महेंद्र अठिया रेमजा। कहाँ के रहने वाले? रेमजा कला। ये कौन है आपकी? हमारी फुगा की बहन है। क्या नाम है इसका? शारदा अठिया नाम है। कहाँ के रहने वाली है? ये लिधोरा, ग्राम लिधोरा की रहने वाली है। क्या कर लिया इनने, क्या हो गया? इसने एक लड़के से चलती थी तो उसका कल लगुन भाई, इसलिए इनने आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? फांसी लगा ली। वही सवेरे 10 बजे के करीब मैं फुगा का इतिहार है, फुगा घर पे नहीं थी, वो कोई है ही नहीं है फुगा के अलावा। क्यों लगा ली तुमने फांसी? उनने फांसी प्यारे के चक्कर में लगा ली, इसलिए। क्यों, उस लड़के ने मना किया था? हाँ, लड़के ने मना किया और शादी कराना लगा है, वो कल उसकी लगन भाई, आज ने आत्महत्या कर ली उसी के पीछे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का विनय नाम है, ग्राम लिधोरा का रहने वाला है। कल उसकी लगन हुई तो आज इन्हें फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाई वैलेंटाइन डे के दिन जिस तरह से प्रेमिका की मौत हुई है, प्यार में धोखा मिला है, ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक मामले की जांच होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है, काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा ये जन सुनवाई की गई, लोगों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर दमोह नाथुराम गौड़ मौजूद रहे। इनका जवाब प्राप्त कर लीजिए, जो अभी जन सुनवाई में दिया है कि इनको नोटिस दिया गया, ये जवाब का हम लोगों को देना पड़ेगा कि तानी दिक्कत हो गई धान की फीडिंग। सर, एक महीना हो, सवा महीना हो गया सर, हमको ना ही हमें पालतू बिल, ना ही हमारा पैसा है। नहीं नहीं, फिर सर हमें एक महीना सवा महीना हो गया था। नहीं नहीं, धान आपसे खरीदा गया? नहीं, भरा है हमने वहाँ कैंप पर ले जाके। धान आपसे खरीदा गया कि नहीं? खरीदा गया। तो आपने बिना पॉलिसी दिया वहाँ पेंटर खराब करता है? नहीं नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे क्लियर। आपने बिना पॉलिसी का वहाँ पे डाला? तो सर पहले तो हमें हिसाब से धान की खरीदी हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। आप लोगों को बोला गया तुलाई का रिसिप्ट मिलेगा, ये सब बोला गया? बोला गया, और मोबाइल में बुक कर लो। आपका पोर्टल पे आ रही है, आपका नाम पोर्टल पे दर्ज हो रही है कि आपने बेचा कि नहीं, पोर्टल पे दर्ज है कि नहीं? खाता नंबर दिया था, लेकिन वो दिल से खाते में खाता नंबर, ये कहाँ की है?
1,20,000 रुपए पूरा मिल गया? नहीं, 1,20,000 रुपए मिले? नहीं, घर पर नहीं हमने 1,20,000 रुपए कैसे दिया? सचिव और सरपंच, मेरी क्वेश्चन समझो, घर कहाँ का बनी? हम कहीं नहीं बनी, कुछ भी नहीं बनी, और 1,20,000 निकाले जी। चलिए मैं अभी चलता हूँ, अभी इसको पता कर लीजिए कि घर नहीं बने और कहीं पे 4 किस्तें निकली, बहुत बढ़िया, हम लोग जो है सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, इसमें तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं नहीं वो देखिए, अभी जो सीएम वो आवासीय अधिकार पत्र का जो सेकंड फेस और थर्ड फेस का था, वो चल रही, मुझे लगता है थर्ड फेस में एप्लीकेशन आया, उसमें पहले जो है सचिव की, पटवारी की, उसके बाद तहसीलदार की फाइनल एप्लीकेशन, उसमें जाँच हो रही होगी या उसको चेक करना, और तब तक आएगी उनको बोल दीजिए कौन से काम पर आएगी। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले की डूमर ग्राम पंचायत के लोग काफी परेशान हैं, लगातार शौचालय के नाम पर राशि निकल रही है, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला हुआ है, राशि तो निकाली गई जबकि शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है कि उनके नाम से राशि तो निकल गई, दोबारा राशि नहीं मिलेगी, दोबारा शौचालय का निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। बार बार शिकायत की जा रही कि जिनके द्वारा यह धोखा किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम पंचायत डूमर ग्राम बड़ागवा तहसील देवरा जिला दमोह, शौचालय खा गया, आज के एक महीने से शिकायत कर रहा है कलेक्टर के वापस आ गया, परेशान हो चुकी, लेकिन अधिकारी सुनाई नहीं रहे, साफ लिपा पूरी कर रहे। से कितने लोग हैं जिनके? हम लोग 15-16 जने हैं यहाँ उपलब्ध, कम से कम 200-300 के खा गए हैं साहब। कौन खा गया क्या? सरपंच, सचिव और उनसे संबंधित अधिकारी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसका आंकड़ा हो, जाँच हो उसकी पूरी। बड़ागवा ग्राम पंचायत डूमर, हम लोगों के शौचालय सचिव ताहर खान ने खा लिए है, राशि निकाल ली है, पेमेंट दिखा रहा हूँ, हम शो कर रहे हैं मगर हमारा पेमेंट मिलो नहीं है, न बने हैं। सब जनों की टट्टी खा रहे हो? सब लोगों की टट्टी खा रहे हो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, तपोवन। पथरिया विधानसभा में साजली योजना पर काम चल रहा है। साजली योजना किसानों के लिए बनाई गई थी, किसानों की भूमि ली गई थी, लेकिन 6 परिवार ऐसे हैं जिन्हें कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार मुआवजा दिए जाने की मांग भी रखी जा रही है। उनका यह भी कहना है कि वह काफी लंबे वक्त से परेशान है, परिवार में जो बुजुर्ग उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है। जो लोग की बात करते थे सबके पैसे डल चुके, मात्र 6 महीने 6 लोगों को पैसा नहीं डला हुआ है, तो शासन से हमारा आग्रह है कि हमारा पैसा है जो ग्राम डूड़ा से आए हुए, अखिलेश नाम है हमारा, जो तहसील पथरिया के अंतर्गत पड़ता है जी। हमारे गांव में साजली माध्यम परियोजना एक सिंचाई योजना बनी, जिसमें पुनर्स्थापन व्यवस्था की राशि मिल रही थी, इसमें पूरे गांव को इसका मुआवजा मिल चुका है, मात्र 6 लोग हैं हम लोग परिवार में, उनका पैसा नहीं, हम लोगों का पैसा नहीं मिला हुआ है, तो उसमें जो दादा भी शामिल है जो चल फिर नहीं पाते, उनकी दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा डल जाए, हमारे शासन से आग्रह है कि पैसा डल जाए तो उनकी दवाई की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्थाएँ बहुत गंभीर है। आप लोग कब से प्रयास कर रहे हैं? हम लोग 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं, SDM के पास भी हुआ है, कलेक्टर साहब के पास भी हुआ है, कलेक्टर साहब के पास भी हुआ है और सिंचाई विभाग भी हुआ है, हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ कैसे आने हुए? आज इस जन सुनवाई में आए थे तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि इनका पैसा जांच करके जल्दी से जल्दी डाला जाए पैसा। खरिया से ATM साहब के पास जाते तो बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास फाइल है, कलेक्टर साहब के पास बात की तो उन्होंने बोला सिंचाई विभाग में है, इन लोगों को पूरा घुमाया जा रहा है, ये न्याय के लिए आए, निर्धन लोगों से न्याय मांग रहे, इनकी इच्छा नहीं है इनको पैसा देने की। क्या इनकी परेशानी है? परेशानी अब लाचार है, आप के सामने ही सर, काय का पैसा चाहिए, पुनर्व्यवस्था का पैसा सभी पूरे गांव वासियों को मिल चुका है, 6 परिवार के दलित लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। 6 के 6 दलित परिवार के, ये 6 परिवार दलित परिवार है सर,
लगभग कितने लोगों को पैसा मिला? पूरा समस्त ग्राम वासियों को पैसा भुगतान हो चुका है। नहीं मिला तीन लोगों को? नहीं, 6 लोगों को नहीं मिला। क्या वजह, क्या है कारण, क्या? क्योंकि गरीब लोग हैं, आज पैसा दे नहीं सकते हैं। पैसे की मांग कितनी की? अब इधर से आते हैं साहब तो कैश पैसा ही तो लगता है। नहीं, नहीं, इनके केस को कंप्लीट करने के लिए पैसा कितने मांगा? पैसा तो कोई नहीं मांग रहा, मगर काम ही नहीं हो रहा है साहब। अभी आपने कहा देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव आज दमोह पहुंचे। गर्भजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। दमोह के सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस यहां पर मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव के द्वारा बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, सभापति निर्माण समिति भैया एक मिनट शांति बना रखो, एक मिनट भैया, एक सेकंड। दत्ता तो छापा पड़ा, कैसे कैसे देखिए? ये देश और ये प्रदेश आतंक के साये में डूबा हुआ है और सच बोलने पर भी पाबंदी है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बोलने की आजादी पर भी ताला डाल दिया है। बीबीसी जो एक स्वच्छ सभी वाला इंटरनेशनल चैनल है, संस्था है, आज से नहीं, कई सालों से 60-70 साल पुरानी संस्था, जो दिखाया जा रहा है, जो सच है, जो वास्तव में देश में हुआ है, उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आप में हिम्मत है तो उसको जनता के सामने लाने दीजिए। जनता को पता चलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री ने क्या क्या कृत्य इस देश में किए। वही मध्य प्रदेश में हो रहा है, यहाँ पे सच बोलने पर आपको जेल भेज दिया जाता है। हमारे वरिष्ठ नेता और बुंदेलखंड के संघर्षशील नेता राजा पटेल जी को आपने देखा होगा, पिछले लगभग 2 माह से जेल में। उनकी सिर्फ गलती ये है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने उदाहरण के तौर पर किसी बात को कहा प्रधानमंत्री को लेकर, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने वो जेल में डाल दिया। और केवल राजा पटेल जी अकेले नहीं है, इस मध्य प्रदेश में हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, जो आम नागरिक है वो डर भय के साए में जी रहे हैं। यहाँ पर आप सच नहीं बोल सकते, आप सच बोलोगे आपको जेल हो जाएगी। तो आज तो हमारा संकल्प यही है और मैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों की गुंडागर्दी चरम पर मध्य प्रदेश में है, उनको 2023 के मध्य प्रदेश के चुनाव में, आम चुनाव में, अपने वोट के माध्यम से बदलने का काम करें। और हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी के साथ में हम दोनों मिलकर एक ऐसी सरकार बनाए जो सबकी सरकार हो, आम जनता की सरकार हो, किसान की सरकार हो, दलित आदिवासी बेरोजगार नौजवान की सरकार, ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं। कैसा माहौल लगता है, आप चारों घूम रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो लगातार पिछले 3-4 महीने से माननीय अध्यक्ष जी के साथ में दौरा कर रहे हैं और एक बदलाव की बयान समझ में आती है। और आप विकास यात्रा का क्या हाल हो रहा है मध्य प्रदेश में, आपके सामने जहाँ जहाँ विकास यात्रा मध्य प्रदेश में गई है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ की जनता ने खदेड़ कर उस विधायक को और सरकार के लोगों को बाहर किया है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शिवराज के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में क्या विकास हो रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। ग्राम पटना मानगढ़ के लोग काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त मिली, उसके बाद शेष राशि के लिए परेशान किया जा रहा है। शेष राशि को नहीं डाला जा रहा है। सचिव के ऊपर इनके द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप लगाए गए, 5,000 रुपए देने की बात भी कही गई। काफी परेशान है ये ग्रामीण जो दमोह तक पहुंचे। इनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। बालचंद महोबिया नाम है सर,
मैं पटना मानगढ़ से आया। क्या समस्या है दादा आप लोगों की? साहब मेरी समस्या है कि कुटिल बनी थी जोन, उसमें 1,20,000 मिले। 1,20,000 में से पहली किस्त आई 25,000 वाली, तो सेक्रेटरी बोले के 5,000 रुपया दो। हमने कही साहब 25,000 की किस्त आई, अभी सामान ले आया हूँ और अगली किस्त में पैसा दे दूंगा। सेक्रेटरी बोला नहीं, आपकी किस्त रुक जाएगी अगर पैसा नहीं दोगे। साहब मैंने घर से पैसा करके और उनको दिया, जब उनने दूसरी किस्त डाली। और अब जो लेबर मजदूरी की किस्त है वो नहीं डल रही अभी तक। ऐसे हम लोग परेशान हैं, हम गरीब आदमी, जेबर जान तो धर के और काम करवा लो। अब वे काम बारे हम लोगों से पैसा मंगाते हैं। कौन है सेक्रेटरी, क्या नाम है? सेक्रेटरी का नाम घनश्याम यादव है। कितने पैसे दिए आपने? 5,000। कितने लोगों ने दिए? 10 आदमी है यहाँ। कौन से? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी भाई। क्या समस्या है आपको? आप क्या समस्या है साहब? हमको पैसा नहीं डाल रहे। काय का पैसा नहीं डाल रहे? कुटी की, कुटी बनाई है ना हमने, बनवाई है तो मजदूरी के पैसा नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे हैं? कम मालूम का नहीं डाल रहे। पैसे पहले दिया गया। कितने पैसे दिए हैं? 5,000। किसको दिए हैं? घनश्याम। कौन है? संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। हरदुआ मुड़र में लगातार जल संकट है, इस बात को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, नतीजे सिफर रहे। आज पुनः सरपंच प्रतिनिधि दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा इस संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना कि इनका गांव भी जल निगम के अंतर्गत जोड़ दिया जाए ताकि इन्हें भी पानी मिल सके। हम लोग ग्राम पंचायत हरदुआ मड़र के सरपंच प्रतिनिधि, हमारी ग्राम पंचायत हरदुआ मड़र की 3-4 ट्रॉली है, उधर पे पानी बहुत खराब कंडीशन, 2 रुपये का 2 महिला पानी भरने के लिए जाती है। हम लोगों ने 9 महीने में प्रस्ताव दिया था जल निगम में, तो आज तक कोई सुनाई नहीं, ना सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है, तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर पानी व्यवस्था हो जाए, 2 रुपये का 2 महिला पानी भरने जाती है। क्या समस्या है? ये पानी की किसी भी है, छदान टोला से आए हैं। हर गांव में पानी की व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई लाइन डरी है, ना कोई सर्वे हुआ है। कहाँ से अभी आप लोग पानी लाते हैं? क्या पानी लाते हैं? या कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूरी से कुआ से लाते हैं, और कुआ को भी गर्मी में पानी खत्म हो जाता है, तो 5-5 किलोमीटर दूरी से पानी भरने, कहीं वहाँ ना जाते, कहीं हम खेरा जाते हैं, ऐसे पानी लेके आते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है बराबर? हैडपम्प कुछ नहीं, तालाब नहीं, ना कोई तालाब है ना कोई हैडपम्प। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। बाबड़ी देवी दरबार में शिव मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था, शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, सब परिवार उन्हें विराजमान किया गया था। यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक बार पूर्ण हुआ, जिसके चलते आज सुबह से विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में समाज से भी यहां पहुंचे और इस आयोजन में सम्मिलित हुए।
एक फूल में अब मैं चंदन अक्षर लगा लो ध्यान कर लो नारे की पारों का और दिवाली सामने रखिए जय चंदन अक्षर फूल लगा करके दिवाली भिवन महाजंबूजाए हाथ में जल रखिए वो बोले नारे दिवाली जय माई की। आज श्री बड़ी देवी मंदिर प्रांगण में शिवजी श्री रत्नेश्वर महादेव स्फटक के शिवजी की वर्षगांठ आज एक वर्ष पूर्ण हुआ। आज के दिन उनकी स्थापना की गई थी तो आज शिवजी की स्थापना हुई थी इसलिए एक वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ के रूप में आज उनका अभिषेक पूजन अर्चन हमारे श्री वीरेंद्र कुमार राय वीरू राय और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू राय द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है और लोग आज 14 फरवरी है लोग तरह तरह से इस पर्व को मनाते हैं। कुछ लोग वैलेंटाइन डे क्या बोलते हैं उस रूप में मनाते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार वैलेंटाइन डे मनाया है और शिव जी की पूजन करके ही शिव जी की आराधना करके ही सभी आज वैलेंटाइन डे मनाएं ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय माई। संजय सरवरिया लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले के पटेरा से काफी लोग दमोह पहुंचे जिनका आरोप है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी दुकान को तोड़ दिया गया जबकि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबरन उस दुकान को तोड़ दिया गया। इस बात से पीड़ित परिवार काफी परेशान और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। क्या समस्या है? हजरत खान नाम है, पटेरा से आए हैं। वो अभी 10 तारीख को हमारी दुकान गिराई गई है नगर परिषद द्वारा, जहाँ पर हमारी दुकान भी और 30-40 दुकान है जो अतिक्रमण में हैं, तो उन्हें हमारी दुकान बस गिराई है। शुक्रवार को शाम को 5 बजे आके नगर परिषद से प्रमोद शुक्ला नाम से आए थे एक जन, उन्होंने बोला कि आपकी दुकान गिनना है। तो हमने बोला भैया काय गिनना, बोलने लगे अतिक्रमण में। तो हमने बोला भैया सबकी दुकान है अतिक्रमण में है तो सबकी गिरेगी, हमारी बस थोड़ी गिरेगी। तो वे बोले उनने पैसा की मांग भी करी हमसे, तो हमने पैसा देने से साफ मना कर दो। तो उनके बाद ये 15-20 मिनट बाद परिषद के 4-5 कर्मचारी आए और 2-3 पुलिस वाले भी आए। उनके बाद ये कि हमारी दुकान तोड़ कर चले गए, ना इनने हमें नोटिस दिया, ना कोई जानकारी दी, ना उसमें से हमारा जो भी दुकान में सामान रखा था ना वो सामान निकालने दिया। किसने पैसे की मांग की थी? क्या नाम है उनका? प्रमोद शुक्ला नाम है उनका। कौन है वो? वो नगर परिषद में है, सिंगमराज नाम से है उनका, सिंगमराज बोलते हैं सब उनको, नगर परिषद में है। हजरत खान, हजरत खान नाम है सर हमारा, और बस स्टैंड का दुकान भी थी हमारी, वहाँ पर 30 दुकानें हैं अतिक्रमण में, 30 दुकानों के बीच में हमारी दुकान थी, बस में हमें धमकी दे के टुरवाई गई है। किसने धमकी दी? प्रमोद शुक्ला ने कहा आया था और एक दुकान टूटेगी, सो हमने सर आप हमारी तोड़ रहे तो सबकी तोड़ो नहीं आप हैं, और पैसों की मांग की तो हमने की पैसा नहीं देंगे, हमने जुर्माना तहसीलदार को दिया है, पैसा क्यों देंगे हम? कितने नोटिस की दुकान टुटवा दी। कितने पैसे की मांग की थी? उन्हें 25,000 की मांग की थी हमसे। संजय सरवरिया लकी डी सी एन न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। वैलेंटाइन डे पर प्यार में धोखा, प्रेमिका ने लगाया मौत को गले। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दमोह, जमकर बोला प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में आपातकाल। मां बड़ी देवी दरबार में हुआ विशेष पूजन का आयोजन, भगवान शिव का किया गया अभिषेक, भंडारे का हुआ आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगले दिन बुलेटिन एक क्रम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।